विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 4:30 बजे सेना के बैंड की धुनों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। इस मौके पर मंदिर को फूलों से सजाया गया। लेजर शो के जरिए बाबा बद्रीनाथ की महिमा का चित्रण किया गया। बाहर भक्तों की भीड़ जयकारों के साथ अपनी आवाज बद्री विशाल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि रविवार को बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए थे। पहले ही दिन भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग गया। रविवार देर शाम तक करीब 12,000 तीर्थयात्री धाम पहुंच गए। समुद्र स्थल से करीब 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित मंदिर में भगवान बद्री विशाल पद्मास्त्र मुद्रा में विराजमान है। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करते ही श्रद्धालु श्रद्धा और आस्था से भाव विभोर हो जाते हैं। भगवान के दर्शन मात्र से ही उनका जीवन सफल हो जाता है। उत्तराखंड में गढ़वाल की बर्फीली पहाड़ियों के बीच स्थित चारों धाम के पट भारी बर्फबारी की वजह से हर साल अक्टूबर और नवंबर में बंद कर दिए जाते हैं, जो अगले साल अप्रैल मई में दोबारा खोले जाते हैं। पट बंद होने पर भगवान की मूर्ति शीतकालीन गद्दी स्थल जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में लाकर स्थापित की जाती है। इन्हें पट खुलने पर ही केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों में ले जाया जाता है। उत्तराखंड सरकार इस बात की उम्मीद जता रही है कि इस बार श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा 30 लाख तक पहुंच सकता है। जून 2013 की आपदा के बाद यात्रियों की संख्या का रिकॉर्ड इस बार टूटने की उम्मीद है।